हाँ नहीं, हम तो इसीलिए सब जगह घूम रहे हैं ना, तो हम तो यही जानना ही चाहते हैं कि जो काम किया गया है, योजनाएं बनी है, उसका कितना प्रगति है, सब जगह हुआ है कि नहीं, या कहीं और क्या होना चाहिए, हम हर रोज़ आपको बताते हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ कहीं भी जाएंगे, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी जानेंगे, तभी तो करेंगे। आज ही हम देखें, कई जगह लोगों ने बताया है कि बिजली का जो बिल है वो जरा ज़्यादा दे रहा है, तो हमने चीफ सेक्रेटरी से लेके एक एक को कह दिया, और डीएम सबको, डीएम थी उनको भी कहा, सबको कहा कि जरा पूरे तौर पर जरा देखिए तो कौन इस तरह से आया है भाई, अगर ऐसा कोई गड़बड़ कर रहा है तब तो देखना ही पड़ेगा, जबकि कहा गया कि कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम जान का भूल रहे थे बहुत, ये इसका तो हम पूरा जाँच करवाएंगे, कहीं भी बेस्ट नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक ही है, वो सब तो कर ही रहे हैं। तो ये सब घूम रहे हैं तो घूमते हुए कोई समस्या आती है तो उसके समाधान का तो उपाय करना ही ना उद्देश्य है। कोसी त्रासदी में यह इलाका पूरी तरह से कहिए ध्वस्त हो चुका था, लेकिन आज जब आप गए हैं तो लगता है कि बहुत सारा काम कर ही रहे हैं। तो आप तो मालूम है ना कि हम लोग तो कोसी वाले के लिए और सब जगह के लिए तो घूम घूम करके एक एक जगह 2009 से ही या 2008 में जब आया था तब सब जगह, तो उसके बाद तो हम लोग जो प्रयास शुरू किए हैं और एक एक जगह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम दावा नहीं कर सकते हैं कि हर चीज़ हो ही गया है, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन जब भी कहीं जा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा ये होना चाहिए। इसलिए जो हमारे जो मंत्री जी कहाँ चले गए, कहाँ पीछे हैं, आइए इधर, कोसी वाला बात पर भाग रहे हैं आप, नहीं ऊपर ऊपर रहे, तो इनको साथ हम इसलिए किए हुए यार कि अगर कहीं भी हो तो एक तो सब जगह भेजते ही हैं कि कहीं तक भी कोई तरह का कोई दिक्कत आवे, हो गया बहुत अच्छा, लेकिन और क्या होना है सबके बाद, आज भी सुन रहे थे सबका कि कहीं कहीं कुछ बात और करने के लिए, उसके लिए ही खाली नहीं, कहीं रास्ते में किसी तरह का कोई प्रावधान करना हो तो काहे नहीं करवाएगा। मैंने मेरा उद्देश्य ही इस बार का यही है, सब जगह जा करके जानना, जो किया जा रहा है उसको देखना और आगे क्या कराना चाहिए, अलग अलग इलाकों का समझ। लेकिन सीधा संवाद आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, लोग आपके पास मेमोरेंडम दे रहे हैं, लगता है मीटिंग से ज्यादा ये कारगर हो रहा है। गांव में तो सीधा संवाद, जो भी कोई बोलना चाहता है तुरंत खड़ा होकर उनका बात सुनते हैं, जो कहना चाहता है ना उसका न सिर्फ कागज बल्कि जो भी कुछ कहना चाहते उसकी बात हम सुनते हैं। मीटिंग से ज्यादा कारगर इसका मतलब ये हो रहा है कि हाँ हो रहा, जब घूमते हैं ना पैदल चलते रहते हैं भाई तो सब लोगों का सुनते रहते हैं, कोई जरा सा भी दूर से भी बोला तो खड़ा हो जाते हैं, हम कहते इधर आइए, कोई कहीं कुछ बोलता, ऐसे मान लीजिए स्वागत में कोई बोल रहा है तो अलग बात है, लेकिन कोई अपनी समस्या बोलता सबका सुनते हैं। काफी भीड़ उमड़ रही है सर, लेकिन आपकी जो पार्टी के कुछ नेता हैं वो दल में रहकर के कारण पार्टी कमजोर हो रही है। छोड़ ना दीजिए सब चिंता मत, ये सब काहे के लिए फेरा में पड़े, ये सब कुछ आपको लग रहा है कोई मतलब नहीं है, कुछ लोगों की आदत है इधर उधर करने की, जिसको करने का है उसको करने दीजिए, लेकिन हम तो बार बार कह दिए हर जगह के लोगों को ये सब चीज़ के बारे में सोचिए, बाकी तो यही लोग बता देंगे आप सर, यही जो लोग हैं सब आपको। के पाठक जी का मामला सर बहुत तूल पकड़ रहा है, बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग आज काला बिल्ला लगा लिए हैं, एक उनका वीडियो वायरल हुआ था उसको जो वीडियो वायरल हुआ उसको देख रहे हैं अधिकारी लोग, सब चीज़ को देख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एक एक बात को लोग देख रहे हैं, कहाँ पर क्या बात आई है उसको एक एक चीज़ को देख करके जांच करेंगे तभी होंगे। तो कल जो बात आई थी कल रात में हम जब लौटे हैं तभी हमको बताया गया कि तो सब कर रहे हैं देख रहे हैं।